देखेंगे जैसे कि ये गोडाउन है ऊपर बना हुआ है, इस गोडाउन के अंदर भोला डुप्लीकेट तैयार होता है ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे मीडिया में मिली थी। हमने यहाँ पर आने के देखा तो ये गोडाउन बंद करके बंदा भाग चुका था। कहना हुआ है कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में भोला तैयार होता है। ये तारा मार रहे थे, पास तेरे पास होना चाहिए ना, इधर ही है साहब, वो लिया है एक छोकरा लिया है, इधर मार्केट में जा, जा कौन तेरे, जा उनके साथ जा, नहीं उनके साथ जा, अब देखें जैसे कि स्लिप मिली है जो कि इलाहाबाद में माल बनता है ऐसा इसमें एड्रेस लिखा गया है और ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होते हुए हमने देखा है। अब देखेंगे जैसे कि बाबा 120 ये एक ब्रांडेड तंबाकू जो कि बैन हो चुका है FDA की तरीके से, ये यहाँ पर आपको बड़ी भारी तादाद में मिलेगा। और भी कुछ बैन से ब्रांडेड तंबाकू हैं जो कि डब्बे में पैक करके ये बेचते हुए आप देखेंगे। यहाँ पे बाबा 120 के छोटे छोटे खाली ब्रोशर्स भी मिलेंगे आपको जो कि FDA ने इस कायदे से इसको बैन कर दिया है, पर यहाँ पर आपको भारी तादाद में मिलेगा। ये लगता है यहाँ से पूरे मुंबई को सप्लाई किया जाता है। और यहाँ तंबाकू आप देखेंगे जैसे कि सैंटेड तंबाकू जो कि FDA ने इसे बैन करने के बाद में शायद मुंबई में नहीं मिलना चाहिए था, पर ये मुंबई में ही बनता है, एक बहुत बड़ी बात है ये भी। इस समय हम जे जे मार्ग पुलिस स्टेशन के बीच में खड़े हैं, जहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर ये टेम्पो खड़ी है। इस टेम्पो के अंदर जो माल पकड़ा गया है वो डुप्लीकेट बाबा जैसे ब्रांडेड नाम के तंबाकू बनाते हुए पकड़े गए हैं। इसे नल बाज़ार के एरिया में पकड़ा गया है। आज पुलिस ने अपनी कार्रवाई करके यहाँ के PSI मोरे और API कदम कामले साहब, इन दोनों की मेहनत की वजह से आज इस नतीजे पर पहुँचे कि इस चीज़ को सीज करके और अभी जे जे मार्ग पुलिस स्टेशन में ले आया जा गया है। एक बहुत बड़ी सफलता मिली है मुंबई पुलिस को।